अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आप सबको जूम के बारे में बताऊंगी कि जूम है क्या, इसका पर्पस क्या है, हम इसे यूज़ किस तरीके से करते हैं, साइन इन कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन क्या होगी इसकी, और हम मीटिंग्स को कंट्रोल कैसे करेंगे। सबसे पहले जूम क्या है। जूम एक हमारे पास वीडियो कम्युनिकेशन के लिए एक रिसोर्स है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम अपना लेक्चर ईजिली डिलीवर कर सकें स्टूडेंट्स को। अब जूम को इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जब आप मोबाइल पर यूज़ करेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर यूज़ करना है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जूम क्लाउड मीटिंग के नेम से सर्च करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। और लैपटॉप पर इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, सर्च बार पर आपने zoom.us एंटर करना है तो आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस शो हो रही हैं। सबसे पहले हमने तो इसको प्रैक्टिस करनी है, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के लिए आप गूगल पर एंटर करेंगे जूम फ्री डाउनलोड। तो आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा, जूम सेंटर डाउनलोड जूम सेंटर। सॉरी, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है जूम क्लाइंट फॉर मीटिंग, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप उसको इंस्टॉल कर, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जूम स्क्रीन आएगी जो कि आपसे आपके जूम क्रेडेंशियल्स या गूगल अकाउंट डिटेल्स मांगेगी। इसके लिए आपका ये काम है कि आप सबसे पहले जूम की एक आईडी जनरेट कर लें। वो किस तरीके से करेंगे, ओके। सो जब आप जूम को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर साइन इन की ऑप्शन आ रही होगी और ज्वाइन अ मीटिंग की आ रही होगी। ये स्टूडेंट्स के लिए आपने साइन इन पर क्लिक करना है। तो अगर तो आपने जूम आईडी बना ली है तो फिर आप यहाँ पर क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे और साइन इन कर लेंगे। अगर नहीं आपकी जूम आईडी जनरेट हुई, आपने साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करना है जो कि आपको बॉटम राइट पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपने मंथ एंटर करना है, मेक श्योर के 18 प्लस एज हो। कंटिन्यू करने के बाद आपने जो भी डिमांड है उसकी आपने वो एंटर करनी है और साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद आप क्या करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पर अपनी क्रेडेंशियल्स एंटर करेंगे। क्रेडेंशियल्स एंटर करने के बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जूम का डैशबोर्ड ओपन होगा जहां पर आपको होम टैब में ये चार ऑप्शन शो हो रहे होंगे, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, स्केड्यूल एंड स्क्रीन शेयर। न्यू मीटिंग में आपके पास ये ऑप्शन आती है कि आप डायरेक्ट क्लिक करने के बाद ना आपकी मीटिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, लेकिन उसमें समाओ के आपको टाइम लगेगा उसको कंट्रोल करने में। शेड्यूल मीटिंग में हमारे पास हम उसको डायरेक्ट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हम शेड्यूल मीटिंग पर क्लिक करेंगे। ये पार्ट कट हो जाएगा इसमें ऑटोमेटिकली। न्यू मीटिंग पे क्लिक करने के बाद हमें ये होता है कि डायरेक्ट मीटिंग ओपन हो जाती है, आपका वीडियो कैमरा ऑन होता है। क्योंकि हम टीचर्स ने तो अपना अपनी पेरेंट्स शो ही नहीं करवानी ना, तो हम शेड्यूल मीटिंग हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें क्या है कि कुछ मीटिंग कंट्रोल्स जो होते हैं ना वो हम मीटिंग जनरेट करने से पहले ही कंट्रोल कर लेते हैं, उनको सेटिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 5th क्लास जूम मीटिंग नेम रखा है। अब मेरी 11th को मेरी क्लास है, 12th को और सुबह 9 बजे मेरी क्लास है। जूम मीटिंग जो है 40 मिनट्स की होती है मैक्सिमम। मैंने
9 o'clock की मीटिंग रखी। यहाँ पर 45 मिनट है, लेकिन फ्री वर्जन में हमें 40 मिनट्स अलाउ करते हैं। पासवर्ड मैं वो एंटर कर देती हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट्स इजीली वहाँ पर एंटर कर सकें। एडवांस ऑप्शन में आप जाएंगे, म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, और ये मैंने कहा है कि मीटिंग स्टार्ट करने से 5 मिनट पहले स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको रिक्योर कर दूँगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि मैं ये एक ही लिंक दिन में 7 मरतबा इस्तेमाल कर सकती हूँ, और फर्दर कैलेंडर में यह ऑनवर्ड सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाया करेगी। फ़ायदा इसका यही है मुझे कि डेली बेसिस पर मैं इसे 7 टाइम्स यूज़ करूँगी, और रेगुलर मुझे एक नया लिंक नहीं देना पड़ेगा बच्चों को, जो कि बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि आज एक और लिंक आ गया हर मीटिंग के लिए, नया लिंक जो है वो उनको डिस्टर्ब करेगा। ये हमारे काम को एफिशिएंट कर देता है कि बच्चों को पता है कि ये एक लिंक है और रोज़ाना हमने इसी को इस्तेमाल करना है, वो उसको अपने डैशबोर्ड में या क्लिपबोर्ड में सेव कर लेंगे। जब मैंने इसको सेव कर दिया तो ये मेरी मीटिंग जो है वो रिक्योर हो जाएगी, और फर्दर डेज के लिए मैं इसको यूज़ कर सकूँगी। अब बात आ जाती है कि हम मीटिंग को कंट्रोल किस तरह करेंगे स्टार्ट करने के बाद। कुछ सेटिंग तो मैंने पहले कर दी, जस्ट लाइक म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री। जैसे ही स्टूडेंट्स मीटिंग ज्वाइन करेंगे उनको, अब यहाँ पर मीटिंग्स में जब मैं ऊपर जाऊँगी तो मेरी मीटिंग यहाँ शो हो रही है। मैंने, मेरा काम सिर्फ इतना है कॉपी इनविटेशन करके, चाहे मैं उसको व्हाट्सएप ऐप से सेंड कर दूँ या मेल में सेंड करना है मेल में सेंड कर दूँ। जैसे आगे फर्दर हम गूगल क्लासरूम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट कर सकती हूँ। अभी के लिए मैं अपनी मीटिंग को डायरेक्ट स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट करने के बाद अगर आप इस स्क्रीन को पहले गौर से समझ लें कि ये है क्या। जब कोई बच्चा लैपटॉप पर अगर ज्वाइन कर रहा है या मोबाइल पर भी कर रहा है, सिर्फ मोबाइल में इतना फ़र्क आता है कि हमें ऑप्शंस को सर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा उनकी कह लें कि स्पेस, मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है तो उनकी जगह चेंज हो गई होती है, लोकेशन जो है वो आगे पीछे हो गई होती है, जिस वजह से बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आपने सबसे पहले खुद भी और बच्चों को भी जब भी मीटिंग ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ही आपको शो हो रहा होगा ज्वाइन ऑडियो, आप ऐसे ही कर से देख सकते हैं। यहाँ पर बॉटम लेफ्ट में आपको शो हो रहा है ज्वाइन ऑडियो। जब तक टीचर इस पर क्लिक ना करे या स्टूडेंट इस पर क्लिक ना करे, वो वॉइस को कैप्चर नहीं करेगा, आपकी ऑडियो को कैप्चर नहीं कर पाएगा। ना मेरी आवाज़ बच्चों तक जाएगी और ना ही बच्चों की आवाज़ मुझ तक आएगी। आप जब यहाँ पार्टिसिपेंट पर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको मेरा माइक शो हो रहा है और उसका वॉइस लेवल भी आपको नज़र आ रहा होगा, अप एंड डाउन हो रहा है। बाज़ औक़ात अगर बच्चे ज्वाइन ऑडियो पर क्लिक नहीं करते, कंप्यूटर ऑडियो जब मैंने लीव कर दी तो देखें सिर्फ कैमरा शो हो रहा है, माइक नहीं शो हो रहा। आप यहीं से समझ जाएं कि आपका स्टूडेंट जो क्लेम कर रहा है कि मिस मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, उसका यही मतलब है कि उसने ज्वाइन ऑडियो नहीं किया। घबराने के बजाय आपने डायरेक्ट उनको ये कहना है कि बेटा आपने ज्वाइन ऑडियो करें, आपकी स्क्रीन पे नीचे लेफ्ट पर आपको शो हो रहा होगा ज्वाइन ऑडियो का साइन। जब उस पर क्लिक करते हैं हमें डायलॉग्स बॉक्स ओपन हमारे लिए शो होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को वहाँ पर एक कह लें कि टैब ओपन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा कॉल ओवर इंटरनेट या ज्वाइन विद मोबाइल ऑडियो, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ माइक शो हो जाएगा। आपको पता चल गया कि आपके स्टूडेंट को आपकी आवाज़ जा रही है। उसके बाद वीडियो हमने ऑफ रखनी है। यहाँ पर अब आप देखें सिक्योरिटी में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं, आपने उसको ऑफ कर देना है, स्टूडेंट वीडियो ऑन नहीं कर सकते अपनी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि आप स्टूडेंट को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है। स्क्रीन शेयर अगर आप स्टूडेंट की करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज इसको आपने अनचेक रहने देना है। चैट, जाहिर बात है किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन करना होता है तो वो बेहतर है कि हम उनको ये ऑप्शन अवेलेबल उनके लिए रखें। रीनेम देमसेल्व्स, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ने जूम आईडी नहीं बनाई होती, डायरेक्ट वो साइन इन विद जीमेल करते हैं तो या तो उनके मोबाइल का मॉडल नेम आ रहा होता है या फिर उनका फादर नेम शो हो रहा होता है, जिससे हमें अटेंडेंस लेने में मसला होगा। इसलिए इस ऑप्शन को आपने चेक रहने देना है और अपने स्टूडेंट्स को कहना है कि जब वो मीटिंग ज्वाइन करें तो अपना नेम रीनेम कर लें। वो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर जहाँ उनका नेम शो हो रहा है मोर पर अगर वो जाएंगे, यहाँ रीनेम की ऑप्शन होगी तो आप वहाँ पर अपना नेम रीनेम करवा, बच्चे अपना नेम रीनेम कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर मेरा नेम रीनेम हो गया। उसके बाद अनम्यूट देमसेल्व्स,
अगर बच्चे आपको तंग कर रहे हैं तो फिर आप उसको ना अलाउ करें, लेकिन बाज़ औक़ात आपने उनकी क्वेरीज क्लियर करनी है, इसके लिए उनके पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो बोल सकें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकें, अपना क्वेश्चन आपके सामने रख सकें, तो आपको चाहिए कि इसको चेक रखें। ड्यूरिंग लेक्चर अगर आपको बार बार इस ऑप्शन पर जाना पड़ रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पर पार्टिसिपेंट पर क्लिक करें। जब आप पार्टिसिपेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर म्यूट ऑल की ऑप्शन है, लेक्चर के दौरान आप इसे क्लिक कर दें ताकि बच्चे अपने आप को म्यूट रखें। यहाँ से आप इसको अनचेक कर दें। जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया, आपने अगेन यहाँ पर क्लिक किया और उनको अलाउ कर दिया, बॉक्स को चेक कर दिया और यस क्लिक कर दिया। इसके अलावा मीटिंग कंट्रोल्स आपको यहाँ पर भी शो होंगे। आपने यहाँ पर प्ले साउंड व्हेन समवन ज्वाइन और लीव्स पर भी क्लिक करना है। इसका ये फ़ायदा है कि जब कोई स्टूडेंट मीटिंग ज्वाइन करता है या लीव करता है, एक ट्यून रिंग करेगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप अलर्ट हो जाएंगी कि कोई स्टूडेंट ऐड हुआ है या किसी स्टूडेंट ने स्किप किया है। इसके अलावा यहाँ पर है एनेबल वेटिंग रूम। जब कोई स्टूडेंट मीटिंग ज्वाइन करता है तो उसको टीचर के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ वो वेटिंग रूम में बैठा इंतज़ार कर रहा होता है। तो बाज़ स्टूडेंट्स ये क्लेम करते हैं, मिस मैं तो इंतज़ार कर रहा था, होस्ट की तरफ से ऐड नहीं हुआ। तो आप इसको अनचेक कर दें। इसमें यह है कि वेटिंग रूम डिसेबल हो जाएगा, जो भी बच्चे हैं वो डायरेक्ट लिंक के थ्रू मीटिंग में ऐड हो जाएंगे, टीचर को बार बार उनको अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपका लेक्चर डिस्टर्ब होगा और ना ही बच्चे को वेट करना पड़ेगा। टीचर की भी रेपुटेशन ख़राब नहीं होगी कि टीचर ने बच्चे को वेट करवाया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं चैट्स पर। चैट्स में क्या है कि आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, थ्री ये जो थ्री डॉट्स हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको होस्ट ओनली कर देना है। इसमें यह है कि बच्चे ने जो क्वेश्चन करना है ना, वो डायरेक्ट टीचर से करेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चे शरारतन, जो बच्चे नहीं इंटरेस्ट ले रहे लेक्चर में, वो आपस में चैट कर रहे होते हैं, टीचर को पता ही नहीं चलता क्योंकि वो डायरेक्टली चैट कर रहे होते हैं। अगर पब्लिकली कर रहे हैं तो वो सब स्टूडेंट्स को शो होगी और टीचर को भी होगी, लेकिन अगर डायरेक्टली कर रहे हैं तो टीचर को पता ही नहीं है कि वो लेक्चर में ध्यान नहीं दे रहे। आपने इसको होस्ट ओनली पर कर देना है ताकि स्टूडेंट सिर्फ टीचर से क्वेश्चन करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल हों। इसके बाद यहाँ पर आ जाती है स्क्रीन। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने बच्चों के साथ कोई फाइल शेयर करनी है तो वो फाइल पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। कंप्यूटर से आपने कोई फाइल उनको सेंड करनी है, आप उनको इजीली सेंड कर सकते हैं। फिर आप अपने पास डिटेल रखना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या बात हुई है बच्चों की, तो आप यहाँ से सेव चैट भी कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पर कोई मैसेज नहीं है, मैंने यहाँ मैसेज इंटर किया और फिर मैं यहाँ पर जब स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे कोई मैसेज आएगा ना, तो यहाँ पर सेव चैट की ऑप्शन आ जाएगी, मैं इसको सेव भी कर सकती हूँ। अगेन आ जाते हैं अब हम स्क्रीन शेयर पर। स्क्रीन शेयर पर मैं बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखाना चाह रही हूँ कोई, तो मैं स्क्रीन पर क्लिक करूँगी और शेयर साउंड पर क्लिक कर दूँगी। शेयर साउंड का ये फ़ायदा है कि अगर मैं उनको गूगल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू कोई वीडियो दिखाना चाह रही हूँ तो वो यूट्यूब की वॉइस भी कैप्चर करेगा। अगर मैं शेयर साउंड पर क्लिक नहीं करती तो वो उस वॉइस को नहीं कैप्चर कर पाएगा, इसलिए मैंने स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद शेयर साउंड किया, शेयर करूँगी तो ये मेरी स्क्रीन बच्चों के सामने आ जाएगी। मैथ्स टीचर अगर मैथ्स समझाना चाह रही है तो वो क्या करेंगी, वो वाइट बोर्ड यूज़ कर सकती हैं। किस तरीके से, स्क्रीन शेयर पर गए हम, यहाँ पर वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पर क्लिक किया, शेयर कर दिया, ये मेरे पास वाइट बोर्ड आ जाएगा और ये एनोटेशन अवेलेबल होंगी। स्क्रीन शेयर अगर हम सिर्फ डेस्कटॉप भी शेयर कर रहे हैं तब भी मेरे पास एनोटेशन की ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ पर जो भी बच्चों को समझाना चाह रही हूँ वो उनको समझा सकती हूँ, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद कुछ पॉइंट्स क्लिक करवाने हैं मैंने बच्चों को, मैं यहाँ पर उनके लिए स्टैम्प्स यूज़ कर सकती हूँ। अगर आप बच्चों को रीडिंग करवा रहे हैं, रीडिंग करवाने के लिए बेहतर यही है, या कुछ भी समझा रहे हैं तो बच्चे ये क्लेम कर रहे थे मिस ये आपने कहाँ क्लिक किया, तो ये कैसे आया, तो उसके लिए आप जैसे ही स्क्रीन शेयर करेंगी आप स्पॉटलाइट यूज़ करना स्टार्ट कर दें ताकि बच्चों को पता हो कि मैं किस जगह पर जाकर अपना कर्सर यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे यहाँ पर है, मैं बच्चों को डेस्कटॉप के बारे में बता रही थी कि ये इस तरह से ये आइकन यहाँ पर होगा, ये आइकन वहाँ होगा, तो उसके लिए मुझे स्पॉटलाइट यूज़ करनी पड़ेगी कि मैंने पहले यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया। तो जैसे जैसे मेरी स्पॉटलाइट जहाँ पर भी जाएगी ना, बच्चों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इस टूल को यूज़ कर रही थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं ना तो स्वाइपिंग कर रहे होते हैं स्क्रीन पर, उसकी वजह से हमारी स्क्रीन पर भी स्क्रैच आ जाते हैं स्टूडेंट की तरफ से। तो हमने क्लियर ऑल ड्राइंग्स करने के बाद क्या करना है, जब भी हम एनोटेशन स्टार्ट करेंगे मैंने मोर पर जाना है
और वहाँ से जाकर डिसेबल एनोटेशन कर देना है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जब भी स्वाइप करे स्क्रीन को तो स्क्रीन पर कोई मार्क शो ना हो और मेरा लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। उसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जब आप इनको देखेंगे तो आप उसको यूज़ करना सीख पाएंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जैसे मैं हाईलाइट करवा रही हूँ किसी क्वेश्चन को, तो मैं हाईलाइटर यूज़ करूँगी। इसके अलावा कुछ मीटिंग्स कंट्रोल हमारे पास यहाँ मोर में होते हैं, हम उनको भी चेक कर सकते हैं। मीटिंग की इन्फॉर्मेशन मुझे चेक करनी है, वहाँ पर जाकर मैं सेटिंग में जाकर जो फर्दर ब्रीफली किसी चीज़ को डीपली भी चेक करना है या ब्रीफली चेक करना है, आप यहाँ सेटिंग्स में जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड की ऑप्शन भी है। जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी मीटिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। जब आपने मीटिंग एंड करनी है तो आपने एंड फॉर ऑल कर देना है। स्टॉप शेयर करने के बाद अब आपने मीटिंग एंड कर देनी है। एंड करने के बाद नेक्स्ट डे भी जब फर्दर या अगली टीचर ने जब आकर यूज़ करनी है तो वो डायरेक्ट सिर्फ इस पर स्टार्ट पर क्लिक करेगी, उनकी मीटिंग अगेन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये शेड्यूल मीटिंग का मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं उसको शेड्यूल कर देती हूँ। पर डे 7 times यूज़ कर सकते हैं इस लिंक को, और फर्दर ऑनवर्ड रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच।